एक ऐसा सीरीज जहां पे मैंने तकरीबन 25 से 30 लाख रुपए ज्वाइन किए और सारा स्क्रीनशॉट मैंने आपको टेलीग्राम पे शेयर कर रखा है। लास्ट मैच हो या फिर उससे लास्ट मैच, या फिर हो उससे लास्ट मैच या पहला T20, सभी के सभी मुकाबला पीआर फैमिली का वन साइडेड क्लीन स्वीप गया है। लास्ट मैच में हमने बी मजरवानी को VC दिया हुआ था, उसके अलावा मैंने रिशाद हुसैन को लिया था, मैंने लिटन दास को ड्रॉप किया हुआ था और उसके जगह उसके बाद मैंने एक और ड्रॉप किए थे, मुझे याद आ गया, नजमुल हुसैन संतो। मैंने लिए थे हृदय को और मैंने अपनी टीम में विकेट कीपर बल्लेबाज जकर अली को जगह दिया था और उस टीम से मैंने मिनी GL में अच्छे खास रैंक लाए थे। ना सिर्फ मैंने, पीआर फैमिली ने भी अच्छा खासा रैंक लाया हुआ था। नमस्कार, मैं राजा कुमार, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेडिक्शन राजा में। दोस्तों यहां पे हम बात करने वाले हैं जो अगला मुकाबला खेला जाएगा, T20 का मुकाबला जो खेला जाएगा बांग्लादेश वर्सेस जिम्बाब्वे के बीच में, उसको लेके हम डिटेल्स में देखेंगे, परखेंगे, फिर हम बात करेंगे अपनी फैंटेसी टीम को लेके। ध्यान रखिएगा, इससे पहले जो मुकाबला हो रहा था चट्टग्राम में, अभी ओमेन वाले जो मुकाबले चल रहे थे वो हो रहे हैं सिलेट में और ये जो मुकाबला होगा वो होगा ढाका में। अब चट्टग्राम में क्या था, स्पिनर के लिए कुछ भी नहीं था, तो क्या ढाका में भी ऐसा ही विकेट मिलेगा? तो बिल्कुल नहीं। ढाका में स्पिनर्स आपको गेम में दिखेंगे, चट्टग्राम में अच्छे खासे रन बन रहे थे, यहाँ पे रन बनने थोड़े से मुश्किल होते हैं। अब आइए हम गिव अवे को लेकर बात कर लेते हैं। तो जी हाँ, इस वीडियो में भी 10,000 रुपीज का बिल्कुल फ्री गिव अवे है, 100 भाई को मिलेंगे 100 रुपीज इच। आपको करना क्या है, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देनी है, फिर आपको यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना है और मिनिमम एक फ्रेंड से आपको वीडियो को शेयर करनी है। अब क्वेश्चन क्या होगा, हाईएस्ट पॉइंट फ्रॉम बैटिंग ऑलराउंडर एंड बॉलिंग सेक्शन से कौन देगा? आपको जाना है कुछ इस तरीके से, कमेंट सेक्शन में बैटिंग के आगे में उस बैट्समैन का नाम देना है जो आपको लगता है कि सबसे अधिक पॉइंट दे सकता है, ऑलराउंडर में जाना है उनका नाम दे देना है, और बॉलिंग में जो आपको बॉलिंग से लगता है सबसे अधिक पॉइंट देगा। ध्यान रखिएगा, बैटिंग में आप विकेट कीपर बल्लेबाज का नाम मेंशन नहीं करोगे, जैसे कि मान लो बहुत सारे भाई लिटन दास का नाम लिख देंगे, जकर अली का नाम लिख देंगे, उन सब का नाम नहीं लिखना है, जो प्रॉपर आपको फैंटेसी में बैटिंग वाले सेक्शन में दिखेंगे उनका नाम लिखना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको वीडियो बिना किसी पार्ट स्किप किए हुए पूरा देखना है, इससे दो बेनिफिट हो जाएंगे, पहले तो आप एलिजिबल हो जाओगे गिव अवे के लिए, दूसरा अगर आप मेरा पूरा वीडियो देख ले तो मैं दावे के साथ कहता हूं 120% ही होते हैं, लेकिन 20% मैंने अपने तरफ से ऐड कर दिए। क्यों? क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद स्मॉल लीग तो भाई 100% में आ जाएंगे, उससे एक्स्ट्रा जो है 20% मैंने दे दिए हैं कि मिनी GL में आप अच्छा खासा रैंक लेके आ जाओगे। अब आइए हम बात कर लेते हैं टॉस के बाद, प्लेइंग 11 आने के बाद और एग्जैक्ट पिच नेचर क्या होगा, उसका अपडेट मैं आपको कहां पे दूंगा, टेलीग्राम चैनल के ऊपर। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना है, चले जाना है इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में, वहां पे जाने के बाद सबसे टॉप कमेंट में आपको देखने को मिलेगा मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक, उसके ऊपर क्लिक करके सभी भाई को टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन कर लेने हैं। और मेरे दोस्त, अगर आप लोगों में से अभी भी कोई भाई ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात की देरी है, अभी के अभी टाइम निकालिए और सबसे पहले यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिए। अब आइए हम बात करते हैं मुकाबला खेला जाएगा शेरे बांग्ला स्टेडियम कहां पे, ढाका में, जहां एवरेज स्कोर रहती है 150 टू 160 के बीच में, हाईएस्ट टोटल है 220 और लोएस्ट टोटल है यहां पे 44 का, ठीक है। अगर हम बात करेंगे वेन्यू T20 स्टैट्स को लेकर, टोटल मैच खेले गए 316, जहां पे बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम जीती है 142, बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है 173। T20 स्कोरिंग पैटर्न को लेकर बात करेंगे तो बिलो स्कोर 150 बने हैं 156 टाइम। अब इसी के ऊपर आपको ध्यान देना है, देखिए यहां पे मैंने 150-160 एवरेज स्कोर बताए हैं और यहां देखिएगा तो वह 156 के अंदर आगे का तीनों टारगेट आ जाता है। 150 टू 160 बने हैं 66 टाइम, बिटवीन 170 टू 189 बने हैं 58 टाइम और एबव 190 बने हैं 36 टाइम। अगर आपको किसी भी पिच का एक्चुअल बिहेवियर जानना हो तो वहां पे जो रिसेंट मुकाबला खेला गया है उसको आप बारीकी से ध्यान देना, और रिसेंट मुकाबला कौन सा, BPL का, एक ऐसा टूर्नामेंट जहां पे पीआर फैमिली ने भाई सब जितना तारीफ करे पीआर फैमिली का उतना कम होगा। लगभग 75-80% मैचेस हम लोगों ने क्लीन स्वीप किया हुआ था लाइक कबड्डी की तरह। यहां देखिएगा 1 मार्च 2024 को कोमिलिया विक्टोरियंस और फॉर्चून बरिसल आमने सामने आए थे, जहां पे कोमिलिया पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर लगाए थे 154 रन 6 विकेट नुकसान पे, जवाब में फॉर्चून 4 विकेट नुकसान पे 157। फर्स्ट इनिंग पेसर 5 स्पिनर 0, सेकंड इनिंग पेसर 2 विकेट स्पिनर 2 विकेट। फिर 28 फरवरी को आई थी रंगपुर राइडर और फॉर्च्यून आमने सामने, जहां पे रंगपुर राइडर्स 149 रन 7 विकेट नुकसान पे लगाए थे, जवाब में फॉर्च्यून बरिसल 152 रन 4 विकेट नुकसान पे। फर्स्ट इनिंग पेसर 6 स्पिनर 1, सेकंड इनिंग पेसर 3 विकेट स्पिनर 1 विकेट। उससे पहले जाओगे 26 फरवरी
2024 को रंगपुर राइडर्स और कोमिलिया विक्टोरियंस आमने सामने आई थी, जहां पे रंगपुर राइडर्स पहले बल्लेबाजी करते हुए बोर्ड पे लगाई थी 185 छह विकेट नुकसान पे, जवाब में कोमिलिया विक्टोरियंस 186 चार विकेट नुकसान पे। अगर हम बात करेंगे फर्स्ट इनिंग पेसर 4 विकेट, स्पिनर 2 विकेट, सेकेंड इनिंग पेसर 3 विकेट, स्पिनर 1 विकेट। अगर हम देखेंगे पेस वर्सेज स्पिन लास्ट के 3 T20 मैचेस में तो पेसर्स को मिले हैं 23 विकेट, स्पिनर के खाते में गए महज 7 विकेट। अब आइए हम बात कर लेते हैं यहाँ पे हेड टू हेड को लेके, तो जिम्बाब्वे की टीम जो है ना भाई साहब बिल्कुल ही टक्कर नहीं दे पा रही सीरीज में। लास्ट मैच में तो वैसे फराज अकरम ने जो हमारे लिए सबसे तगड़े डिफेंसल पिक थे उन्होंने लास्ट में आके कुछ मैच को क्लोज लाया था। अगर हम बात करेंगे दोनों टीम के हेड टू हेड को लेके, दोनों टीम 23 टाइम्स जो है वो T20 में आमने सामने आई है, 16 बार जीती है बांग्लादेश की टीम और 7 दफा जीती है जिम्बाब्वे की टीम। बांग्लादेश की अगर हम बात करेंगे लास्ट 5 T20 मैचेस को लेके, यहां ध्यान देना आपको विन 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 लॉस विन, और ये जो 3 विन है ना वो लगातार जिम्बाब्वे के साथ करके आ रही है। जिम्बाब्वे की टीम लॉस 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 विन करके आ रही है, ये टीम काफी एक्सपीरियंस है। यहाँ पे अगर इनको अच्छा करना है तो भैया इनके जो स्टार प्लेयर है सिकंदर राजा उनको जो है ना बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना पड़ेगा। वो गेंदबाजी में 1 विकेट मुश्किल से ले पा रहे हैं, बल्लेबाजी में उनके बल्ले से रन ही नहीं निकल रहा है। अगर हम बात करेंगे लास्ट मैच को लेके तो बांग्लादेश की टीम 9 रन से इस मुकाबला को जीत गई थी, जहां पे लिटन दास के थे 12, तंजीद 21 रन, इसमें भी इजी कैच ड्रॉप हुआ था, रनआउट भी ड्रॉ इनका चांसेस जो है वो मिस हुआ था। संतोष 6, हृदय 57, इस मैच में क्या संतो आपके लिए कैसे पिक होंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन ध्यान रखना महमदुल्ला के ऊपर, जकर अली 44, महमदुल्ला 9, रिशाद हुसैन 6 रन। गेंदबाजी में सामने वाली टीम से फराज अकरम 4 में 44 रन, 1 विकेट, मुजरवानी हमारे वीसी थे, किस किस भाई को याद है कमेंट में जाके बताना। राजा 4 ओवर 38 रन 1 विकेट, मुजरवानी 4 में 14 रन 3 विकेट, वेलिंगटन मशक दर्जा 4 में 34 रन 0 विकेट, लुक जोंगवे 4 में 33 रन 0 विकेट। बात करेंगे जिम्बाब्वे की बल्लेबाजी को लेके, तो वही जो हमेशा से चलती आ रही है, जे गुम्बी 9 रन किए थे, टीम आरुमणि 31, ब्रेंड बनेट 5, क्रेग अरविंद 7, राजा 1, मदानदे 11, उसके अलावा जोनाथन कैंपबेल 21, लुक जोंगवे 2 और वेलिंगटन मशक दर्जा किए थे 13 रन। गेंदबाजी में बात कर लेंगे यहाँ पे बांग्लादेश का, तनवीर इस्लाम 4 में 26 रन 1 विकेट, तस्कीन अहमद 4 में 21 रन 1 विकेट, शाफुद्दीन 4 में 42 रन 3 विकेट, तंजीम हसन सकीब 4 में 26 रन 1 विकेट, रिशाद 3 में 38 रन 2 विकेट, महमदुल्ला 1 ओवर 1 रन 1 विकेट। एक बात आप अब यहाँ पे ध्यान रखना कि बांग्लादेश की टीम जो है ये सीरीज ऑलरेडी विन कर चुकी है, जिम्बाब्वे की टीम ये सीरीज ऑलरेडी हार चुकी है, तो दोनों टीम यहाँ पे कुछ भी अनएक्सपेक्टेड बदलाव कर सकती है, जो भी करेंगी मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। अब आइए हम बात करते हैं बांग्लादेश की पॉसिबल प्लेइंग 11 विथ बैटिंग ऑर्डर क्या रहने वाला है। ध्यान रखिएगा अगर सेम टीम होता है तो आपको कुछ हद तक ऐसे ही बल्लेबाजी क्रम देखने को मिल जाएंगे, जहां पे तंजीद ओपनिंग करेंगे लिटन दास के साथ, फिर शांतो, टी हिरदवाई, जकर अली, महमदुल्ला, शाफुद्दीन, तंजीम, तनवीर इस्लाम, तस्कीन और रिशाद हुसैन। बल्लेबाजी में इनका प्रमोशन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। गेंदबाजी में रिशाद, तस्कीन, तनवीर, तंजीम और यहां से आपको दिख जाएंगे शाफुद्दीन, ये पांचों गेंदबाज 20 ओवर डालेंगे, इनमें से किसी का दिन बुरा होगा, सामने लेफ्टी अगर होंगे तो एकाध ओवर आप जो है महमदुल्ला से भी उम्मीद करके चल सकते हो। प्लेयर स्टैट्स को लेकर बात कर लेते हैं तो लिटन दास, इनका स्टैट्स है लाजवाब, लेकिन मैंने कहा था चट्टग्राम में इनके लिए चलना होगा बेहद ही मुश्किल। चट्टग्राम पे इनका स्टैट्स ठीक ठाक था, लेकिन वहां पे चलना इसलिए मुश्किल था कि वहां एक तो आपको दिखेंगे पिच में ग्रीनिश विकेट ज्यादा थी, तो नया में बॉल लहरा रहा था, मुजरवानी को खेलना इतना आसान नहीं था। लेकिन अगर हम बात कर लेंगे यहाँ पे वेन्यू पे तो यहाँ भी इनका 26 का एवरेज है, लेकिन यहाँ पे उतना बॉल घूमेगा नहीं जो चट्टग्राम में घूम रहा था। हेड टू हेड 13 मैच में 344 रन 38 का एवरेज, वेन्यू पे 92 मैच में 2203 रन 26 का एवरेज, रिसेंटली 12-23-1-56-42। तंजीद हसन सकीब हेड टू हेड 3 मैच में 106 रन, और जो चट्टग्राम वाला ग्राउंड था ना वहाँ पे इनका बैटिंग औसत था 70 का, लेकिन वही ढाका में देखिएगा 19 मैच में 238 रन एवरेज 13 का, रिसेंटली 21-18-67 पे नवाद 42 2 रन 0 विकेट। संतो का देखिएगा हेड टू हेड वेन्यू दोनों लाजवाब है, हेड टू हेड 8 मैच में 197 रन 38 का एवरेज, वेन्यू पे 81 मैच में 2063 रन 30 का एवरेज, रिसेंटली 6-16-21-22 रन 0 विकेट, डू नॉट बैट। और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इनके बल्ले से एक बड़ा स्कोर लोडेड है, वो आपको इस मैच में या फिर इसके अगले मैच में देखने को मिल जाएगा। हृदय को लेकर बात कर लेंगे तो हृदय ये आप कह सकते हो कि बांग्लादेश के अभी के टाइम में जो इनके बल्लेबाज हैं
महमूदुल्लाह के बाद सबसे ज्यादा खतरनाक बल्लेबाज में से एक होंगे टी हिडॉय। हेड टू हेड 3 मैच में 127 रन, वेन्यू पे 43 मैच में 1062 रन, 32 का एवरेज, रिसेंटली 57, उसके अलावा 37 पे नवाद, 33 पे नवाद, 55 और डू नॉट बैट। महमूदुल्लाह हेड टू हेड 19 मैच में 306 रन, 4 विकेट। ढाका के विकेट पे देखिए ना कितना मुकाबला खेले हैं भाई, 147 मुकाबला, 2958 रन, 69 विकेट, रिसेंटली 9 रन 1 विकेट, 26 पे नवाद, डू नॉट बैट, 87 रन 0 विकेट। जकर अली हेड टू हेड 3 मैच में 57 रन, वेन्यू पे 33 मैच में 445 रन, 30 का एवरेज, रिसेंटली 44-13, डू नॉट बैट 12 और डू नॉट बैट। ध्यान रखिएगा विकेट के पीछे आपको जकर अली दिखेंगे तो वहां से भी आपको पॉइंट निकाल के दे सकते हैं। फिर आपको दिखेंगे काफी टाइम के बाद बैक करते हुए सैफुद्दीन, और बैक भी वैसा लाजवाब, विकेट पे विकेट लेके जा रहे हैं, अगर जरूरत पड़ी तो बल्ले से भी कंट्रीब्यूशन देते आपको नजर आ जाएंगे। हेड टू हेड 10 मैच में 31 रन, 14 विकेट, वेन्यू पे 64 मैच में 88 रन, रिसेंटली 3 विकेट 1 विकेट 3 विकेट 1 विकेट 38 रन 1 विकेट। तंजीम को लेकर बात करेंगे, हेड टू हेड 1 मैच में 1 विकेट, वेन्यू पे 22 मैच में 27 विकेट, रिसेंटली 1 विकेट 1 विकेट 3 विकेट 5 विकेट और 3 विकेट। तनवीर इस्लाम बेहतरीन स्पिनर है, अगर स्पिनर को लेकर पिच में कुछ भी रहा तो आपके लिए अच्छे खासे नासिर पिक होंगे, मिनी जीएल में आप कैप्टन वीसी भी देख के जा सकते हो। हेड टू हेड 1 मैच में 1 विकेट, वेन्यू पे 35 मैच में 39 विकेट, रिसेंटली 1 विकेट 4 विकेट 2 विकेट 0 विकेट और 0 विकेट लेके आ रहे हैं। फिर अगर हम बात कर लेंगे तो आपको दिख जाएंगे तस्कीन अहमद, हमेशा की तरह बांग्लादेश के बड़े गेंदबाज में से एक, हेड टू हेड 8 मैच में 10 विकेट, वेन्यू पे 70 मैच में 82 विकेट, रिसेंटली 1 विकेट 2 विकेट 3 विकेट 2 विकेट 2 विकेट। रिशाद हुसैन हेड टू हेड 3 मैच में 4 विकेट, वेन्यू पे 9 मैच में 42 रन 4 विकेट, रिसेंटली 2 विकेट 2 विकेट 0 विकेट, 33 रन 4 विकेट 0 रन 2 विकेट। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे स्टार्टिंग ओवर्स को लेके तो तनवीर इस्लाम, तस्कीन अहमद और सैफुद्दीन दिख जाएंगे, उसके अलावा डेथ में सैफुद्दीन, तंजीम और तस्कीन दिखेंगे। मेरे पास कुछ एक न्यूज़ निकल के आ रहा था, वो क्या था कि मुस्तफिजुर रहमान में भी टीम के स्क्वाड के साथ जुड़ जाएंगे, अगर वो जुड़ेंगे तो यहीं से खेलेंगे कि आगे खेलेंगे वो क्वेश्चन मार्क होंगी। अगर कोई मुस्तफिजुर को लेकर फर्दर अपडेट्स आती हैं तो टेलीग्राम पर मैं आपको अपडेट कर दूंगा। अगर हम बात कर लेंगे बेंच पे, सॉरीफुल इस्लाम हेड टू हेड 7 मैच में 7 विकेट, वेन्यू पे 50 मैच में 69 विकेट, रिसेंटली 1 विकेट 0 विकेट 3 विकेट 4 विकेट 0 विकेट। ध्यान रखिएगा आफिफ हुसैन को यहाँ पे मौका मिल सकता है। हेड टू हेड 11 मैच में 205 रन 2 विकेट, वेन्यू पे 88 मैच में 1439 रन 18 विकेट हैं, उसके अलावा जो है यहाँ पे रिसेंटली 0-5-24-11 रन 0 विकेट 29। और बाकी मेहदी हसन और परवेज हुसैन इमोम को अगर जगह मिलता है तो आप स्टेट्स के अकॉर्डिंग चाहो तो बैक करके चल सकते हो। अब आइए हम बात करते हैं पॉसिबल प्लेइंग 11 विथ बैटिंग ऑर्डर, जिम्बाब्वे का क्या हो सकता है, तो आपको दिख जाएंगे टी मारूमणि, जे गुम्बी, क्रेग अरविन, सिकंदर राजा, बी वनेट, सी मडांडे, जे कैंपवेल, ल्यूक जोंगवे, मसक दजा, उसके अलावा एफ अकरम और बी मजुरवानी। गेंदबाजी में अगर हम बात कर लेंगे मजुरवानी से जो है आप यहाँ पे 4 ओवर देख सकते हो, एफ अकरम से 4 ओवर देख सकते हो, मसक दजा से 4 ओवर देखोगे, जोंगवे से 4 ओवर देखोगे और यहाँ पे सिकंदर राजा से आप 4 ओवर देखोगे। अगर इनमें से किसी का दिन बुरा होता है तो एकाध ओवर आप यहाँ पे बी बेनेट को डालते देख सकते हो, कभी कभार रेयर केस में जे कैंपबेल भी एकाध ओवर डाल सकते हैं। प्लेयर स्टैट्स को लेकर बात करेंगे, टी मारूमणि हेड टू हेड 5 मैच में 70 रन, रिसेंटली 31-2-58-9-47। जे गुम्बी को लेकर बात करेंगे, हेड टू हेड 3 मैच में 43 रन, रिसेंटली 9-17-17-72-12। क्रेग अरविन का देखिएगा तो हेड टू हेड 12 मैच में 157 रन, 15 का मात्र एवरेज है, वेन्यू पे 6 मैच में मात्र 16 का एवरेज है, 93 रन, रिसेंटली 7-13-0-0-10। जब ये सीरीज स्टार्ट हुआ था ना मैंने आपको एक बात बताई थी वहां पे कि जैसे ही ओडीआई आएगा क्रेग अरविन आपके लिए मस्ट पिक हो जाएंगे T20 में, इनके ऊपर भूल से भी ध्यान मत देना, वही चल रहा है। अगर हम उसके बाद बात कर लेंगे सिकंदर राजा, इस टीम की सबसे बड़ी हथियार, अगर यही अपना हथियार डाल देंगे तो वैसे भी इनके लिए चलना बेहद ही मुश्किल है, आई मीन जिम्बाब्वे के लिए, ठीक है। अगर हम बात कर लेंगे सिकंदर राजा को लेके, हेड टू हेड 19 मैच में 226 रन, 14 का एवरेज, 9 विकेट, वेन्यू पे 19 मैच में 220 रन, उसके अलावा 10 विकेट, रिसेंटली 1 रन 1 विकेट 3 रन 0 विकेट 0 रन 0 विकेट 28 और 15 रन 0 विकेट। ब्रायन वनेट को लेके बात करेंगे, हेड टू हेड 3 मैच में 65 रन, रिसेंटली 5-44-16 रन 0 विकेट 27 डू नॉट बैट। जोनाथन कैंपबेल हेड टू हेड 2 मैच में 66 रन, रिसेंटली 21-45-23-42 रन 1 विकेट और डू नॉट बैट। उसके अलावा अगर हम बात कर लेंगे यहाँ पे सी मडांडे को लेके, हेड टू हेड 3 मैच में 54 रन, रिसेंटली 11-0-43, उसके बाद 1-41। ल्यूक जोंगवे, जब जिम्बाब्वे की टीम
पहले गेंदबाजी करें आपके लिए अच्छे पिक हो जाएंगे। मिनी जीएल जीएल में आप कैप्टन वीसी भी देके जा सकते हो। हेड टू हेड 13 मैच में 105 रन 13 विकेट, वेन्यू पर 2 मैच में 34 रन 0 विकेट, रिसेंटली 2 रन 0 विकेट, 2 रन 2 विकेट, 2 रन 1 विकेट, 5 रन 0 विकेट, 34 रन 0 विकेट। वेलिंगटन मसकदजा, इनका देखिएगा हेड टू हेड 9 मैच में 7 विकेट, रिसेंटली 13 रन 0 विकेट, 34 0 विकेट, 0 विकेट, 23 रन 2 विकेट। फिर आपको दिख जाएंगे फराज अकरम, पिछले मैच में किसी ने इनको बैक नहीं किया था, वैसे पीआर फैमिली ने इनको लेके बताया था जब भी खेलेगा अच्छा पॉइंट देके जाएगा। हेड टू हेड 1 मैच में 34 रन 1 विकेट, रिसेंटली 34 रन 1 विकेट, 38 रन 1 विकेट, 24 रन 1 विकेट, 1 रन 0 विकेट और 2 विकेट। ब्लेसिंग मजुरवानी हेड टू हेड 7 मैच में 10 विकेट, रिसेंटली 9 रन 3 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट। अगर जिम्बाब्वे की टीम पहले गेंदबाजी करती है आप इनके ऊपर दो कैप्टन वीसी के रूप में लगा सकते हो। स्टार्टिंग एंड डेथ ओवर्स को लेकर बात कर लेंगे, स्टार्टिंग ओवर्स आपको डालते दिख जाएंगे एफ अकरम, बी मजुरवानी और सिकंदर राजा, डेथ में ल्यूक जोंगवे, एफ अकरम और बी मजुरवानी। अगर हम बात करेंगे बेंच पे तो इनके 3 स्टार प्लेयर, चाहे वो आर बर्ल हो, सीन विलियम्स हो और रिचर्ड नगारवा हो, तीनों इनके बेंच पे बैठे रहते हैं। अगर ये तीनों खेलते हैं तो बैक करके चल सकते हो। अब भाई हम बात करते हैं अपनी फैंटेसी टीम को लेकर, ध्यान रखिएगा ये जो हम बात करेंगे ना वो फिलहाल मेरी डेमो टीम होंगी। फाइनल टीम में अगर कुछ भी बदलाव होती है, कुछ ना कुछ तो फेरबदल होंगी, उसका अपडेट मैं आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना है, चले जाना इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में, वहां पे जाने के बाद सबसे टॉप कमेंट में आपको देखने को मिलेगा मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक, उसके ऊपर क्लिक करके सभी भाई को टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन कर लेने हैं। फिलहाल जो मेरी फैंटेसी की टीम है वो आपके सामने है, विकेट के पीछे मैंने लिटन दास को लिए हुए हैं, फिर बैटिंग से महमदुल्ला, ऑलराउंडर से सिकंदर राजा, रिशाद हुसैन, फराज अकरम को लिए, बॉलिंग से तस्कीन अहमद, ल्यूक जोंगवे, सैफुद्दीन, तनवीर इस्लाम, मजुरवानी और तंजीम हसन सकीब को मैंने अपनी टीम में जगह दिया हुआ है। कुछ बदलाव मैं कर सकता हूँ, लाइक महमदुल्ला के जगह पर मैं यहाँ पे संतो को ले सकता हूँ, या फिर मैं अपनी टीम में लेकर जा सकता हूँ यहाँ पे टी हृदय को। कैप्टनसी के बारे में यहाँ पे फिर से सौंपे हैं सिकंदर राजा को, वीसी मैंने अभी के लिए दिए रिशाद हुसैन को, बाकी मैं कैप्टन वीसी तस्कीन अहमद, सैफुद्दीन, उसके अलावा तंजीम हसन सकीब, बी मजुरवानी और तनवीर इस्लाम, इन 4-5 में से भी किसी को एक देके जा सकता हूं। फिलहाल ये मेरा फाइनल टीम है सभी एप्लीकेशन पे। बाकी मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, एंजॉय कीजिए, अच्छा खासा विन कीजिए और समझदारी से मिनी जीएल जीएल जरूर ट्राई कीजिए। धन्यवाद।